पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के पालीगंज में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार हमेशा से ही शिक्षा और प्रतिभा की भूमि रहा है। यहां से निकले आईएएस और आईपीएस और साथ ही सिविल सेवा के अन्य अफसर देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महामिलावटियों के पास केवल दो ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि खराब करना और उसे सत्ता से बेदखल करना। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि बिहार के गांव-गांव के उम्मीदों को, सपनों को नई ऊंचाई देने के लिए गरीब से गरीब तक टेक्नोलॉजी को हम कैसे पहुंचा रहे हैं, इसका उदाहरण है डिजिटल इंडिया अभियान। उन्होंने कहा कि हमने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का संकल्प लिया, अन्नदाता और सौर ऊर्जा दाता बनाने का काम हाथ में लिया और इसके लिए बीज से बाजार तक की नई व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 कारण और उसी के तहत पीएम मोदी जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं और बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साफ तौर पर निशाना साधा और ये भी कहा कि उनके पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, पीएम की छवि खराब करना और साथ ही सत्ता से बेदखल करना। साथियों, बिहार हमेशा से शिक्षा और प्रतिभा की भूमि रही है। यहां से निकले आईएएस आईपीएस और सिविल सेवा के अन्य अफसर देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिहार के गांव-गांव की उम्मीदों को, सपनों को नई ऊंचाई देने के लिए गरीब से गरीब तक टेक्नोलॉजी को हम कैसे पहुंचा रहे हैं, इसका उदाहरण है डिजिटल इंडिया अभियान। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार की नीतियों के कारण आज दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट और भारत में बन रहे सस्ते स्मार्टफोन ने गांव में रहने वाले नौजवानों की बहुत बड़ी मदद की।